जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का विषय है वर्तमान भूत भविष्य ज्ञान। कई बार इस साधन पद्धति को लेकर मेरे पास प्रश्न आ चुका है। मैं आज एक संपूर्ण डिफरेंट साधन प्रणाली में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये साधन प्रणाली से आप लोग भूत भविष्य वर्तमान को जान सकेंगे, लेकिन इसमें मेहनत लगेगा। बिना मेहनत के कोई भी साधन अनुष्ठान नहीं होता है। जाप करना पड़ता है साधक को, घंटे पर घंटा बैठकर अनुष्ठान करना पड़ता है साधक को, तब जाकर मंत्र सिद्धि होता है। इतना आसान नहीं है दो मिनट में मंत्र सिद्धि हो जाए आप लोग आसमान में चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये संपूर्ण प्रोसेस आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा, मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप के वीडियो को देखिए। कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं आज का अनुष्ठान शुरू करता हूँ। आज का मंत्र है बारताली देवी का मंत्र। ये मंत्र का अनुष्ठान करके आप लोग भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान आप लोग को एक विशेष शुभ तिथि से शुरू करना है। शुभ तिथि का निर्वाचन आप खुद कर सकते हैं। शुभ तिथि से अनुष्ठान शुरू करने के बाद अभी आप लोग इस मंत्र को 125,000 इस मंत्र का आप लोगों को जाप करना है। मैं पहले ही बोला साधन अगर सिद्धि करना है, बहुत लोगों को सिद्धि करना है, मंत्र को सिद्धि करना है, भूत को देखना है, तो सिद्धि करना है, भूत को देखना है, राक्षस को देखना है, कर्णों पिशाचनी को सिद्ध करना है, तो मेहनत लगेगा। बिना मेहनत का सिद्धि कभी नहीं होता है। कोई भी साधक बिना मेहनत के साधक नहीं बने, इतिहास इसका गवाह है। एक बार जरूर इतिहास को पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखें, सब कुछ पता लग जाएगा। तो इस मंत्र का 125,000 आप लोगों को जाप करना है। मंत्र का जाप आप लोग हिसाब लगा लीजिए, जिस 125,000 आप लोगों को कितना दिन में उठाएंगे, 41 डेज, 51 डेज, 60 डेज, कितने दिन में 125,000 जाप आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पहले एक विशेष दिन में मंत्र का 1008 बार जाप करके देखे ये कितना समय लग रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लीजिए कितना दिन में। उसी जब कैलकुलेशन लगा ली, मान लीजिए 60 डेज का आप लोग संकल्प ली है, तो 60 डेज जब संकल्प लेंगे, 60 डेज का हिसाब से ही संकल्प लेकर माता सूर्य को बोली माँ 60 दिन में मैं ये मंत्र का अनुष्ठान संपूर्ण 125,000 जाप मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं आपका यह हवन अनुष्ठान में करूंगा, यह संकल्प लेकर मातेश्वरी से निवेदन करके अनुष्ठान के लिए बैठे। इस अनुष्ठान करने के समय एक विशेष जो बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो एक जंगल से कोई भी एक काटा लेके आइए, या काटा जो होता है ना, बाबुल का काटा हो, दो चार बाबुल का काटा, एक डाली, काटे का डाली लेके आइए, काटकर बाबुल का काटा डाली, हमने काटा भी है और डाली लेके आ जाइए। उसके बाद जंगली सुअर का दांत विशेष रूप से इस मंत्र प्रयोग में आप लोगों को चाहिए। जंगली सुअर का दांत और काटा एक साथ एक थाली, तांबे का थाली हो या तांबे का कटोरी हो, उसमें आपके सामने रखे, और थोड़ा सा सिंदूर, लाल वाला सिंदूर उसमें डब्बे में भरकर सामने रखिए। संपूर्ण चीज खुला हुआ रहना चाहिए। जब आप अनुष्ठान करेंगे उसी सिंदूर के डब्बे से सिंदूर लेकर तिलक लगाए और मंत्र का जाप करें, और वो चीज सामने खुला हुआ रहेगा। जब तक जाप करेंगे तब तक खुला रहेगा। जाप हो जाने के बाद उसको एक कपड़े से ढक दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट दिन फिर से खोल लीजिए और जाप कीजिए, और तिलक लगाइए और जाप कीजिए। जब भी आप घर से निकलेंगे तिलक आपके ललाट पे होना चाहिए, बिना तिलक का आप लोग कभी नहीं निकलेंगे। ये है विशेष बातें। मंत्र का संपूर्ण अनुष्ठान करने के बाद जब मंत्र आप लोगों का जागृत हो जाएगा, देवी सब कुछ आपके कान में आकर बता देगा, बिल्कुल कर्ण पिशाचनी की तरह ही है एक प्रयोग। वो जो दांत है आप लोगों को गले में धारण करके रखना है, और वो काटा जो है आप लोगों को कोई तिजोरी में उस काटे को सेव करके एक जगह पर रख देना, छुपा कर रख देना है। बस यही प्रयोग है और कुछ प्रयोग नहीं है। विश्वास के साथ आप लोग इस प्रयोग को अप्लाई करें, आप लोगों का मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। कोई भी अनुष्ठान करने से पहले अपने गुरु जी से अनुमति ले, अपने गुरुजी से अनुमति के बिना कोई भी प्रयोग सक्सेसफुल नहीं होता है। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।